हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत में खूबसूरत शहर टाइम सुबह का 12 बजे मैं आपके साथ अपने प्यारे से किचन में बना रही दोपहर का लंच। बच्चों ने दोनों ने नाश्ता नहीं किया था तो उनके लिए बन रही यहाँ पर मैगी। तो मैंने बोला खाना भी साथ में बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मौसम का हाल वो तो मुंबई में बारिश एकदम से बंद हो गई है, चमचमाती हुई धूप लग गया है। खुशी के तू नहाई है आज, ऐसा क्या हो गया तू नहा गई बिना बोले? आज दोस्तों ये बिना बोले नहा गई। चलो अच्छा है, इसने भी नाश्ता नहीं किया, इसके लिए भी मैं मैगी बना रही हूँ। सब लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू। और सबसे खुशी की बात ये है कि मेरा माइक आ गया। माइक आके कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गया, तो मेरे को तो सेट करना आता नहीं। इसके पापा भी कर रहे थे, उनको भी नहीं आया था अभी, पर उसने ये माइक सेट करके दिया। परसों भी मैंने थोड़ा सा बोला था लेकिन मेरे को भी नहीं आ रहा इसको चालू करने के लिए, तो थोड़ा उसने परसों बताएगा मैं फिर भूल गई। तो अभी बताया मैंने, बोला कैसे करना, तो बोला मम्मी ऐसे 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 करके इसको चालू करना है। जब मैंने ना खाना भी रखा था, मेरी नज़र उधर ही जा रही है। खाने में मैंने दाल और ये हरी भाजी काटी है ज़्यादा, उसको इधर मैंने भात भी रख दिया। दाल एक सीटी आ गई, एक और बनाती हूँ सीटी बस, क्योंकि दली दाल है तो दली दाल को ज़्यादा नहीं करना, वो अपने आप एक ही सीटी में डल जाती है। क्योंकि सो उबाल आ गया था ना, इसलिए मैंने एक ही सीटी मारी बंद कर दिया था। एक सीट और बनाती हूँ। तब मुझे मौसम का हाल बोले तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार है। क्योंकि मुंबई में बारिश अचानक बंद हो गई, जैसे अगस्त का महीना नया 2-4 दिन बारिश हुई, अभी थोड़ा थोड़ा आ रही थी धूप लग रही थी, अब तो बिल्कुल ही बारिश नहीं आई। जैसे लग रहा कि ज्येष्ठ का महीना लगा, जून का महीना लगा, इतनी धूप से हालत खराब। धूप हो रही अंदर, उमस हालत खराब हो रही। हमने इधर ही मैं दिखाती हूँ, ये इधर हमने एडजस्ट फैन लगाया परसों। बहुत दिन से सोच रहे थे, कम से 2-3 महीने से सोच रहे थे मतलब बोल के आ रहे, वो बोल रहा परसों में 2 बार गई मैंने, बोला एड्रेस भी दिया लेकिन फिर भी नहीं आया। तो परसों ये इधर वाला जो ऊपर वाला क्योंकि ये फ्रेम बना के लाए, पूरी खिड़की निकाली तभी एडजस्ट फैन लगा। और इधर से ये गैस की पाइपलाइन भी आई है, क्योंकि अभी गैस का सिलेंडर नहीं है, पाइपलाइन ला के डायरेक्ट ही। एक मिनट पर मिस आओ, खाना बनाना शुरू करती हूँ। गर्म हो गया तो मैं कढ़ाई के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि अभी 11 बजे तो हमने नाश्ता किया, फिर खाना मैंने खाना बना के दोस्तों इतना थक गई। मैंने बोला मेरा एडमिशन कहीं किसी स्कूल में कर दो जहाँ खाना बनाने के लिए होता है, या किसी बच्चों के लिए खाना बनाना आना था आश्रम में, मेरा एडमिशन करो उधर में खाना बनाएंगे। सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, रात में खाना। परेशान हो गई मैं और मेरा ये किचन, ये किचन मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये बना रही हूँ मैं चोली की भाजी, मिक्स बना रही हूँ। ये दाल उबल गई, ये भात छोटी पतीली पर रखी, अभी चोली की भाजी बन, चोला ही बोलते हैं चोली की भाजी हमारे, और बोला चोला बोला ना,
चलो देसी हूँ यहाँ का, देसी में बोला तो अच्छी लगेगा। तो ये मैंने कढ़ाई रखी दाल के लिए, इधर मेरा भात हो गया, इधर दूसरा दाल होना भात बन रहा है, ये दाल बन गई है। और ये मैंने लोखन की कढ़ाई में बनाया मैंने चोली की भाजी। वो तुम राजमाता मंगूचो बोले, खुशी में ऐसा है बोलती मेरे को कुछ खा ला, लेकिन ये मुन्ने सूप भी रूम, ये वो सूप भी बढ़िया रूम। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना करूँ।